ओम शांति। आज 10 अगस्त 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सब आशय पूरी होती है, पेट भर जाता है, बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो, कैसे? उत्तर है, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, जब इम्तहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती हैं, आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं, क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो, जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाए? यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, यह भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर वन जो भक्त हैं उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए, यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूछते थे? वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया, बाप ने परिचय दिया है। मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, तुमने इस शरीर के साथ पाड़ बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पाड़ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो, यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं, वह भी क्या करे, क्योंकि छोटी सी बिंदी की पूजा तो कर न सके। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा, अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसको पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, बस यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाड़ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं, रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं, छोटा रावण तो बना न सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज नहीं। रावण पांच विकारों को कहा जाता है, पांच विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है, एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है, यह भी गायन है। कोटों में कोई, कितने थोड़े निकलते हैं, कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं, किसको?
बाप को। कहेंगे, बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप न आए तो पेट ही न भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही नहीं। सब आशय पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो, हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं, यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता, यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। चार युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। कितना ढूंढते हैं, मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। यह कैसे हो सकता? किसको पैसा देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। यह माया का पॉम्प है ना, स्वर्ग से भी शास्ति शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन था, एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए हैं। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई, रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज़? अभी वंडर लगता है, क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है, यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गवाया? रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है, यह कोई ईश्वर की भावी नहीं है, यह तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहाँ तो दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, यह समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, यह तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है, यह तो बाबा ही जानते हैं ना। सर्विस पर सारा मदार है, सर्विस से ही बाप बताएंगे। इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं, किसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठिकर भीतर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं,
गाते भी हैं, बेहद का बाप आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपके मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है, यह पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा, बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना, जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहाँ आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे, यह सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है, यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए, तुम्हारी कभी कोई में आँख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें, उनको क्या देखना है, दिल में कोई आश नहीं होती, यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है, पेट तो वही दो रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है, पेट पाप बहुत कराता है, एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं, पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छुपा लेते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते, बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे, बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं, धरती आसमान सब अपने होश आते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे, भारत अविनाशी खंडक आया हुआ है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना, यह तो बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है, हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, वह कामकाज भी करते रहना है। यह तो समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहा बड़ी लड़ाई न लग जाए, यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है, ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नोंद है, आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, यह सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर यह गदाई क्या करेंगे, कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया, शरीर भी बाबा को दे दिया। ओ हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है
जो किसी में भी आँख न डूबे, दिल में कोई भी आश न रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। आज का वरदान है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। विश्लेषण है, कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। आज का स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। अच्छा, ओम शांति।